नमस्कार दोस्तों, मैं अच्छेलाल भगत अपने YouTube चैनल अनुराग कॉमन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ईकेवाईसी है वो फिंगरप्रिंट के द्वारा चालू हो चुका है, तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं जो पीएम किसान का ईकेवाईसी है वो फिंगरप्रिंट के द्वारा होना स्टार्ट हो चुका है, तो वो जो साइड है वो चल रहा है कि नहीं, उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आते हैं। लैपटॉप के स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है pmkisan.gov.in, उसके बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद इसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार ओपन होगा। तो ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कोने में लिखा है CSC लॉगिन, तो आपको CSC लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, हम पहले से CSC लॉगिन कर चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए आ चुका है बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेट। दोस्तों, ये साइट पहले ओपन नहीं होता था, सर्वर एरर लिखता था, तो यहाँ पे अब स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे आपका आधार नंबर पूछेगा, फिर उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर टाइप करके सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना आधार नंबर टाइप कर दे रहे हैं। आधार नंबर टाइप करने के बाद जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो चलिए हम कैप्चा को भी फिलअप कर दे रहे हैं। उसके बाद सर्च वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो फिर हम सर्च वाले बटन पे क्लिक कर दे रहे हैं। सर्च वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको देखिए एंटर आधार रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम एक मोबाइल नंबर टाइप कर दे रहे हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ गेट मोबाइल OTP पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर्वर एरर शो हो रहा है इन एप्लीकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी सर्वर इसका फेल चल रहा है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट के द्वारा KYC होना स्टार्ट हो चुका है, तो कुछ देर बाद शायद इसका सर्वर ठीक हो जाएगा। तो आप फिंगरप्रिंट के द्वारा अपने CSC लॉगिन करके आप फिंगरप्रिंट के द्वारा ई KYC कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के लिए धन्यवाद।